नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ। समाजवादी पार्टी के सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, साथ ही पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह के निधन की जानकारी दी। सैफई में मंगलवार को मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, कुछ बचा नहीं। हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया, सब कुछ चला गया भैया, कुछ बचा नहीं है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी परिवार में शोक की लहर है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज भी जारी था। तबियत बिगड़ने की सूचना पर बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव और बहू अपर्णा यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। बता दें कि 3 महीने पहले उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। मुलायम सिंह का राजनीतिक सफर 55 साल का रहा। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। लगभग 55 साल का राजनीतिक सफर तय करने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई की थी। वह 1967 में पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और फिर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अभी मेदांता हॉस्पिटल में ही है। मिली जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके गाँव सैफई लाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। वही नेताजी के निधन पर सैफई में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। सभी भावुक हैं और कई लोग तो नेताजी को याद करके रो रहे हैं। कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, कुछ बचा नहीं। मुलायम सिंह की शख्सियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने लिखा, मुलायम जमीन से जुड़े नेता थे जो लोगों की मुश्किलों को समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोकनायक जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों के लिए समर्पित कर दी। इमरजेंसी के दौरान वे लोकतंत्र के अहम सैनिक थे। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने सशक्त भारत के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हुई। हमारा करीबी जुड़ाव चलता रहा और मैं हमेशा ही उनके विचार जानने के लिए तत्पर रहता था। मुलायम जी के निधन से मुझे दुख है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। मुलायम सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।